नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का उभरता हुआ चैनल तबंदी भारत। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को लंबित DA की वृद्धि भी शामिल है। वहीं सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से राज्य के 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों, 2.62 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। वहीं इससे राजकोष पर भी महीने के करीब 210 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया था। यह बढ़ोतरी 1.5 साल बाद की गई है और इससे केंद्र सरकार के करीब 1.14 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा। बता दें कि शुक्रवार को इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल हरियाणा की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ भी किया था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।